ओ भाई 100 रुपए ले ले, नीचे उतार ले। हेलो एवरीवन, अभी हम हैं बीर की लैंडिंग साइट पे और हमारे साथ हैं दुबे जी, जिनके साथ हम हॉस्टल में मिले थे। और फॉर्चुनेटली पता लगा है कि दुबे जी यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनको 4 दिन हो चुके हैं और इनकी कल पहली सोलो फ्लाइट है। तो दुबे जी का हम एक्सपीरियंस जानेंगे, कैसा रहा, सीखने में क्या क्या सिखाया इनको और इनके कैसे इमोशंस हैं फ्लाइट से पहले। ठीक है, चलो बात करते हैं दुबे जी से। क्या सो आज मेरा 4th डे है एंड पिछले 4 दिनों से हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग ही चल रही है। ये लैंडिंग ग्राउंड है, एक बार दिखा दो आप। और यहाँ से आपने यहाँ का सनसेट बहुत प्यारा है। चलो बैक टू दुबे जी। या सो सुबह से करीब 10 बजे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 10 बजे हमारे इंस्ट्रक्टर हमें ग्लाइडर पहना देते हैं, हमारा हार्नेस हमें पहना देते हैं और जनरली इवेंट इस साइड से आती है। तो अगर इवेंट इस साइड से आ रही तो हम लोग कॉन्स्टेंटली अपनी टेक ऑफ प्रैक्टिस यहाँ से करते हैं। कभी कभी वहाँ से आ जाती है तो फिर ऐसे जाते हैं और फिर बस पूरे दिन हमारा फिर यही होता है। ग्लाइडर को पहले नीचे रखने के लिए असिस्टेंट होते हैं, वो ग्लाइडर को नीचे शेप में रखते हैं, हम पोजीशन में आते हैं, इनिशियल पुल से ग्लाइडर ऊपर ला के छोड़ के ब्रेक लेके फिर हम कंटिन्यूस वहाँ तक भागते हैं जब तक फिर ग्लाइडर हमें थोड़ी लिफ्ट नहीं देता। फिर एंड में जाके वी ब्रेक एंड वी टर्न एंड वी गेट द ग्लाइडर डाउन। तो भाई जी, पैराग्लाइडिंग का आपने सोचा कैसे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? पैराग्लाइडिंग का सोचा ऐसे कि मेरे को स्काई डाइविंग कोर्स करना है तो उसके पहले मैंने सोचा जब तक पैसे इकट्ठा करूँगा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तब तक इंडिया में थोड़ा पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं। तो छुट्टी मिल गई मेरे को 16 दिन की, तो आ गया यहाँ पे। ग्रेट भाई, दुबे जी को की स्टोरी सुन के ना हमारे भी एक ड्रीम क्रिएट हो रहे हैं कि हमें भी भाई करना है, नॉट ऑन दिस ट्रिप बट इन फ्यूचर विल डू इट। अगर आप यहाँ पे देखो लोग टैंडम कर रहे हैं। या मैन स्टिल इज फुल ऑफ टैंडम कर रहे हैं, फुल ऑफ ग्लाइडर्स। अब टैंडम में आप खुद उड़ा नहीं रहे हो, आपको खुद फील आ नहीं रहा है, खुद कंट्रोल नहीं है आपका, यू आर जस्ट अ पैसेंजर। या यू बिकम अ पायलट, फिर आप जाओ जहाँ मर्जी जाना है, खुद हवा का फील लो, खुद पैराशूट का फील लो, हाइट में अकेले जब व्हेन यू आर हाई अप इन द एयर यू आर अलोन, वहाँ कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं है। तो दुबे जी क्या लगता है पहली फ्लाइट से पहले कितना एक्साइटेड है आप? भाई आज यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर ने दो बिल्डिंग से 2 रस्सी नीचे टांग के हमारे हार्नेस को हमें रस्सी से लटकाया था और उसी में हमें पूरा ट्रेनिंग दिया कि कैसे टर्न करना है और फ्लाइट के बाद कैसे हमें अपने हार्नेस में बैठना है। उस ट्रेनिंग के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। अभी डर ये लग रहा है कि ऐसा ना हो लैंडिंग करते करते कहीं कार में लग गई, कभी बिल्डिंग में घुस गए, कभी उधर पेड़ वेड़ हैं उनमें चले होना। वैसे तो उतना कोई डर नहीं है, ग्लाइडर बड़े आराम से नीचे लाता है, आराम से ब्रेक खींच के। सीरियसली मैन, जंपिंग फ्रॉम 2600 मीटर फ्रॉम बिलिंग, इट इज रियली अ फैसिनेटिंग। पेट में गुदगुदी हो रही है सोच के जैसे बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक। बट होपफुली टुमारो 7 o'clock मॉर्निंग में जैसे इंस्ट्रक्टर ने बताया विंड अच्छी होती है तो विंड थोड़ी स्लो होती है, बिल्डअप हो रही होती है, तो इट्स अ गुड टाइम टू डू पैराग्लाइडिंग। ओके, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। सो 7 o'clock विल डेफिनेटली कम एंड विल मीट यू ऑन द लैंडिंग साइट। मेरा वो वाला वीडियो ना बन जाए, ओ भाई 100 रुपए ले ले नीचे उतार ले। That is in a hand. You are the pilot. नहीं, एक बार हवा में हो जाएंगे सब stable हो जाएगा। Yeah, it will be stable, man. But seriously, man, if you are in Billing and if you are seeing these sights, man, seriously, definitely want to learn the paragliding. Sure. So, Dubai ji, sam kal milenge. Dubai ji, thank you. Good morning. Aaja super star aaja. Dubai ji, good morning. Kaise hain aap? Good morning, Dubai ji. पहले आपको उठा दिया मैंने। को लगा कि इनका कॉल आया है। चलो सुबह सुबह नहा के भी नहीं आए, नहा के डाउट है, एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई, एक्साइटमेंट में हमें नींद नहीं आई, बिना उठे ऐसे ही आ गए दुबे जी से मिलने, बिना सोए ऐसे ही आ गया मैं तो। इंस्ट्रक्टर का है आपको? रात को ऐसे सपने आ रहे, सो रहा हूं तो कि उड़ रहा हूं कुछ हो गया। रात में सपने में उड़ रहे, बताओ यार। आज मेरे साथ के लिए बैठना है टोकन हैंड लूं, ठीक है? जैसे वहाँ टेक ऑफ विंड के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे लैंडिंग भी विंड के अकॉर्डिंग। ये फ्लैग लगे हुए, देखो ये विंड सॉक लगे हुए, हर बिल्डिंग के ऊपर कुछ
में कुछ मार्किंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ना, फ्लो ये है तो आपको इस साइड से एंट्री करनी है, आप देखते हैं ना, सिंपल सी बात। अगर विंड फ्लो नीचे से ऊपर आ रहा है तो ऊपर से एंट्री हो जाएगा, सिंपल सी बात। चैंपियन आपका इंस्ट्रक्टर है तो फिर क्या, फिर तो लैंड हो जाओगे। सब लैंड हो जाएगी। चलो भाई अब सबसे मिलेंगे बिलिंग में। एक स्टूडेंट हैंग ग्लाइडर वाला भी जा रहा है। अच्छा वो ट्रायंगल वाला। हाँ जी। अच्छा वो भी जा रहा है ऊपर, वो भी लैंडिंग करवाऊंगा उसको। विल सी इन बिलिंग। अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है, जब आप हवा में जाएंगे दो मिनट के बाद आप शांत हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगे, आपका माइंड आपका उस लेवल पे चला जाएगा, आपको सारी एडजस्टमेंट समझ आने लग जाएगी कि मेरे जो दिमाग में कंफ्यूजन थी ये बिना मतलब की है। ठीक है, होती हैं, ऐसा नहीं है, सबको होती हैं, एक ह्यूमन बींग है हम, इसका तो नॉर्मल है, हर दिन नई नई बातें सोचते रहते हैं हम। सर बिलिंग से बीर तक का लैंडिंग साइट तक का कितना ऑल्टीट्यूड होगा? ऐसे वर्टिकली जो है 1000 मीटर है, 1000 मीटर, और एयर डिस्टेंस 3.5 km है। 3.5 km। ओके। वैसे यहाँ से 14 किलोमीटर है, ऐसे माउंटेन यहाँ से 16-17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर बिलिंग है, बीड़ से 14 किलोमीटर, बीड़ से 14। ओके सो गाइस वी हैव रीच बिलिंग टेक ऑफ पॉइंट। तो गाइस टॉप तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है टेक ऑफ पॉइंट तक पहुंचने के लिए। नीचे हमारा बाइक खड़ा है। ओके दैट इज द टेक ऑफ पॉइंट। वेरी ऑल सेट। ऑल सेट, पैराशूट की लाइन चेक कर ली है ताकि हवा में कोई एक्सीडेंट ना हो। काफी हाइट है, अभी लैंडिंग साइट दिख नहीं रही है। यहाँ से नहीं दिख रहा लैंडिंग साइट, यहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा। इतना आगे जाके वी हैव टू टर्न राइट। और लाइन क्या होता है? ये रस्सियाँ, ये रस्सियाँ, ये पूरी क्लियर होनी चाहिए, कहीं उलझी नहीं होनी चाहिए। इसको हमें सही तरीके से लगाना है, शैकल करना है, एक बार हमारा वो पहनना है हारनेस, सारे कनेक्शन चेक करना है। विंड उस डायरेक्शन से आ रही है, हम लोग टेक ऑफ भी इसलिए उसी डायरेक्शन में करेंगे। अच्छा, जहाँ विंड जा रही है अपोजिट नहीं करेंगे उसके? अपोजिट नहीं, अपोजिट करेंगे तो आपका ग्लाइडर में हवा नहीं भरेगी। ओके वो ग्लाइडर को पूरा इन्फ्लेट करके जाना आगे। अच्छा ध्रुव जी कैसा लग रहा है? थोड़ा सा डर है अंदर, पहली सोलो फ्लाइट है, थोड़ा तो होगा। सामने वादी देखो कितनी अच्छी है, बहुत छोटा महसूस हो रहा है, बहुत छोटा। कितने बड़े पहाड़ पे हम छोटे से इतना सा ग्लाइडर लेके ऐसे उड़ रहे हैं। Okay. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जो भी वो बोलते हैं वो प्लीज कीजिएगा।